एवरीवन, देखो अब हम जा रहे हैं घूमने। कौन कौन जा रहा है? तो गाइज, हम बच्चा पार्टी को लेके जा रहे हैं घूमने, क्योंकि नंदू विधि का मन नहीं लग रहा था और साथ में उनके पापा जी का भी। तो ये सब लोग जा रहे हैं घूमने के लिए और हाथरस में कहीं घूमने की जगह पता नहीं है ज्यादा। बस हमने घर के पास हमारा भरी वाली देवी का मंदिर ही है और मेरा भी मन था यहाँ जाने का, क्योंकि बहुत सालों से आई थिंक 2016-17 के बाद मैं अब आई हूँ यहाँ पर। नंदू कहाँ आई हूँ आज? तो चलो पापा, कितने सालों बाद आए हैं हम यहाँ पे? दिल्ली में इतनी सालों बाद मैया के दर्शन करने के लिए आ गई हूँ दिन, लेकिन गलत टाइम पे आई हूँ। मंडे को आते हैं हर, वैसे तो दर्शन उस दिन तो हो भी नहीं पाते। मंडे को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, मेला वगैरह भी लगाया जाता है, सजावट भी होती है। तो मुझे बस दर्शन करने थे, क्योंकि पता नहीं फिर मैं यहाँ कब आऊँ, इसलिए मुझे बस मौका मिला और मैं यहीं पर लेके आ गई सब लोगों को। और यहाँ सब लोग देखो इतनी भीड़ है फिर भी, क्योंकि डेली आरती होती है शाम को 7 बजे से। तो हम लोगों को 10-15 मिनट भी लगी होंगी घर से यहाँ पे आने में, और तो मुझे आरती भी मिल गई और दर्शन भी अच्छे से हो जाएंगे। अगर मैं मंडे वगैरह में आते हैं तो दर्शन तो बहुत मुश्किल ही होते हैं, क्योंकि एक बार मैं 5 मिनट के लिए आई थी, इतनी भीड़ थी और नंबर भी नहीं आया था आरती का, तो फिर ऐसे ही हम वापस चले गए थे। लेकिन आज हम पूरी आरती देख के जाएंगे और यहाँ भोले जी का भी मंदिर है तो वो भी आगे दिखाएंगे। बने रही हमारे इस ब्लॉग में। आरती करने के बाद हम लोगों ने यहाँ प्रसाद चढ़ाया, तो फिर उन्होंने भोग लगा के मैया का हमें वापस दे दिया वो प्रसाद। फिर हम चलने लगे तो मुझे फिर अंकल ने बुलाया कि नंदू के टीका लगाने के लिए वापस बुलाते हैं। मुझे याद ही नहीं था कि टीका भी लगवा लूँ। फिर सबने, आशी ने, विधि ने, किट्टू ने, मैंने, सबने फिर तिलक करवाया। Yeah.
आए हैं नंदू। नंदू तो पहली बार आई है। विधि, विधि तो आई थी एक बार थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए। और आशी, आशी भी आई है पहली बार। पहली बार आई है मंदिर में, पहले आई है। चलो 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 चलो, जगह ले लो। गाइज ये है भोलेनाथ का मंदिर। यहाँ भी बहुत ज्यादा भीड़ होती है। मंडे को तो इसे कॉटन वगैरह से अच्छे से डेकोरेट किया जाता है। तो अब पता नहीं कब आए, मंडे को आना हुआ तो मैं जरूर ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन अभी तो कुछ पता ही नहीं। इतने सालों अब मिला है मौका आने का, तो आगे का तो मैं कुछ कह नहीं सकती। फिर हम लोगों ने दर्शन किए, पूजा करी। फिर भोले जी के मंदिर के सामने ही राधा कृष्ण जी का मंदिर है, तो हम वहाँ पे भी घूमने गए। फिर वहाँ देखा कि कीर्तन चल रहा है, तो मैंने दूर से ही जूम करने की कोशिश की, लेकिन मूर्ति क्लियर नहीं दिखी। तो आप देखिए कीर्तन, दर्शन करने के बाद फिर हम आने लगे वापस घर। तो यहाँ तो इतने बंदर हैं, इतने बंदर हैं। मेरी नंदू तो पता नहीं क्या क्या बोल रही थी देख देख के। फिर इन्हें आइसक्रीम वाला दिख जाता है, फिर तो बस पूछो ही मत, इनका हाल वहीं पटकना शुरू हो जाती हैं दोनों की दोनों। फिर इन लोगों को आइसक्रीम दिलाई, फिर चलते। चलो चलो बैठो, जल्दी से घर पे आते हैं गाड़ी में बैठ के। जब तक इन्होंने सारे कपड़े खराब कर लिए थे अपने, आइसक्रीम टपका टपका के सब पैर गंदे कर लिए थे, आके इनके कपड़े चेंज किए। और ये फिर आते ही पांडाल में पहुंच जाती हैं। यहाँ हो रहा था कीर्तन, तो वो कीर्तन नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा। और ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।